अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम भी छोटा सा एक ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज हमारे काकी की है सालगिरह। अभी हमने जाना है कुछ सामान वगैरह लेने, तो अभी सोच रहा हूँ बाइक ले जाऊँ क्योंकि कुछ खाने के लिए चावल के लिए चिकन लेना है और साथ में हमने जी कुछ और सब्जियाँ वगैरह लेनी है। कुछ पास्ता वगैरह बनाएंगे ना, जो देसी पास्ता होता है, वो दूसरे वाला नहीं, देसी पास्ता जिसके अंदर हम लोग चिकन शिकन वगैरह डालते हैं, तो अभी मैंने वो निकलना है लेने के लिए। असल में ना मेरा नेटवर्क का यूजेज जो है ना वो सबसे ज़्यादा है, तो फिर मैं काफ़ी ज़्यादा तंग आ गया हुआ था, तो मैंने कहा यार बेहतर ही है कि अपना लगवा लें। 12-13 साल से हमारा नेट चल रहा था, अभी 3-4 साल से बड़ा अच्छा चल रहा था। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट की ना तो बड़ी अच्छी स्पीड थी, अपलोडिंग वगैरह वीडियोज़ वगैरह अपलोड करने में बड़ा आसानी हो जाती थी। खैर अभी ठीक है, जितना टाइम गुजर गया अच्छा गुजर गया। तो अभी जो है मैंने पेमेंट कर देनी है, तो नेहा जो है वो इंटरनेट हमने अपने घर में अलहदा लगवा लेना है और फिर हमने किसी के साथ शेयर नहीं करना। ये हमारी तारें जो हैं ये हमने कल उतार ली हैं, ये एक्चुअल में पुरानी तार थी तो इसको उतारा नहीं था हमने, ये वैसे पड़ी है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने लगाई थी 3-4 माह पहले, तो हमारा नेट बड़ा तंग हो रहा था, तो फिर 12-13 साल से चला तो उतार लें। अब मैं जो है किसी कंपनी से लगवाऊँगा, पॉसिबिलिटी है नेटल का जो है ना वो लगा लें, क्योंकि ये जो है ना ये काम नहीं सही है, तो बार बार बंद होता था। तो सामान हम ले हैं, ये चिकन है, इसके अंदर ये बोनलेस अलहदा करवा लिया है, ये दूसरे वाला है, इसकी बनेगी बिरयानी, और साथ में देखो जरा मैक्रोनी तो चेक करें ऐसे, जैसे हमने पूरी देर मैक्रोनी लेनी हो। तो कैचअप भी नहीं थे घर में, कैचअप भी खरीद लिए हैं साथ, ये कैचअप हमारे आ गए हैं अलहदा, ये ख़त्म कर लिए थे हमने खा खा के। तो ये भाई कुछ सब्ज़ियाँ ले गए हैं, सब्ज़ियाँ इतनी महंगी हैं कि ये सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें के 2 शिमला मिर्चें हैं, 3 गाजरें और 1 ये बंद गोभी या पत्ता गोभी, ये आए हैं जी 170 रुपये के। यार इतनी महंगी सब्ज़ी हो गई है। आज हमें दोपहर के खाने में ना खाने हैं आलू वाला नान, क्योंकि शाम को तो खाना पक जाना है, तो मैंने कहा यार ये बाज़ार से ले आऊँ, तो अभी जब मैं सामान लेके आया मैं तो उसके साथ आलू वाला नान भी लेके आऊँ। आए हाय है, दिखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, तो ये बड़ा अच्छा दोपहर का खाना है, कभी कभी खाएं ना बड़ा मज़ा आता है। तो आलू वाला नान जो है ये दोपहर को खाएँगे, फिर शाम को जो खाना पकेगा सालगिरह के लिए वो हम लोग जो है वो सारा इकट्ठा खाएंगे। हाय 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 बिस्मिल्लाह। यार दोपहर का टाइम है, आलू वाले नान का बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है इसको खाने का। बस ये है कि ये लोग रायता नहीं देते, अगर रायता दे तो और ज़्यादा मज़े का लगे। अभी हम लोग ना केक लेने के लिए जाने लगे थे, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने ना बारिश बरसा दी है और साथ में ना बारिश हो रही है, तो देखते हैं, क्योंकि जुमा अभी गुजर गया है तो काफ़ी यार गर्मी पड़ रही थी बड़े दिनों से, पौधे भी हमारे तकरीबन सारे सूख चुके हैं, बस यही 2 बचे हैं, गर्मी नहीं बर्दाश्त कर सके। हवा जो है ना वो इस तरफ को हवा है और इसी तरफ कोई ना बारिश भी आ रही है, तो अभी बस ये जैसे ही थोड़ा सा ज़रा देखते हैं आधा घंटा, अगर बारिश ना ख़त्म हुई तो फिर गाड़ी ले लेंगे, गाड़ी पर निकल जाएँगे, और हवा से ना सारी जो बारिश ना वो अंदर को आ रही है। ऐसा होता ना वो सैड सॉन्ग लगा होता है ऐसे, बारिश के ड्रॉप जो है वो गिर रहे होते हैं, तो ये वो वाला सीन के बना हुआ है, इधर बारिश सामने से पड़ रही है और वो वैसे ही वो इफेक्ट बना हुआ है। और मैं तो कैप शैप पहन के निकलने लगा जब मैंने फ़ोन किया भांजे साहब को, जो मेरे साथ प्रैंक वीडियोज़ बनाते हैं वो जो मेरे साथ फ़नी वीडियोज़ बनाता है, तो उसने कहा जी बारिश बड़ी हो रही है। मैं कमरे में बैठा हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था, मैं बाहर निकला तो वो यार यहाँ पर तो बड़ी बारिश हो रही है। अभी हम जी जा रहे हैं जी केक लेने, और मौसम अब सही हो गया था, मैं कहा चलो अब निकलते हैं, गाड़ी ले आया मैंने उस दिन काफ़ी ज़्यादा इसको धोया हुआ था, तो मैं कहा निकाल के थोड़ा चला भी लें, पहले वाला मसला ना बन जाए बांधना हो जाए, तो सारी बच्चा पार्टी भी मेरे साथ ही है, आपको शोर सुन रहा होना। तो बस हम लोग बेकरी पहुँचने वाले हैं, बेकरी पहुँच के इंशाल्लाह जो है वो केक लेते हैं और फिर घर निकलते हैं। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह हम जी केक पकड़ लिया जी, ये रहा हमारा केक, और केक भी काफ़ी बच्चों के साथ बिजी है, और अब हम लोग जो है वो निकले। अभी बारिश जो है ना इधर तो काफ़ी पानी है, मुझे पता क्या मसला हो रहा था, मुझे ये मसला हो रहा था कि मैंने गाड़ी को ना धोया था, तो यार दुख बड़ा हो रहा है ऐसी गंदी हो जाएगी, काफ़ी जगहों पे पानी खड़ा है। तो बस अब बच्चों को लेके हम इंशाल्लाह जो है वापस जा रहे हैं, फिर शाम को जी थोड़ी बहुत सेलिब्रेशन कर लेंगे।